गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक में आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका टाइटल है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब इसमें हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की। देखो, अब तक हमने जो प्रॉपर्टीज़ देखी है वो पर्टिकुलर एलिमेंट या एटम पर ही हमने अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट किया। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एटम की रेडियस है, या जो भी प्रॉपर्टी थी वो हम एटम को लेकर कंसीडर कर रहे थे। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की, ठीक है। एटम्स जब भी कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो एटम में ऐसा क्या होता है, मॉलिक्यूल में ऐसा क्या होता है जो एटम्स को होल्ड करके रखता है, तो वो केमिकल बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ से हमारी कंसेप्ट अराइज होती है केमिकल बॉन्डिंग की। तो वो एक ऐसा बॉन्ड है जो कि एटम्स को होल्ड करके रखता है। तो अगर हमसे डेफिनेशन पूछी जाए केमिकल बॉन्ड की, तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड डिफरेंट एटम्स और आयन्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन ने होल्ड किया हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, एक एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक। उसी तरह CO2 का अगर आप एग्जाम्पल लो, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है, कैसे वो बॉन्ड बनाता है। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में बॉन्ड बनते कैसे हैं, क्यों कोई बॉन्ड बनता है, ठीक है। बॉन्ड के टाइप भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहली चीज़ है समझना कि बॉन्डिंग एक्चुअल में होती क्यों है। तो ये चीज़ तो क्लियर होती है कि केमिकल बॉन्ड जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट होल्ड एटम्स, जो कि एटम्स को या आयन्स को होल्ड करके रखता है ना मॉलिक्यूल, ओके। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बॉन्ड फॉर्म टू गेट स्टेबिलिटी विद अ रिलीज ऑफ एनर्जी। जब भी बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो एटम्स क्या करते हैं, स्टेबल हो जाते हैं बॉन्डिंग करने के बाद, और क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये चीज़ तो समझ में आती है कि बॉन्डिंग होने के बाद, एटम्स से मॉलिक्यूल बनने के बाद एनर्जी रिलीज होती है और एटम्स स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, ओके। अब देखो, चार तरह की अप्रोच हैं या चार थ्योरीज हैं जो कि हमें एक्चुअल में बॉन्डिंग को समझाती हैं कि बॉन्डिंग होती कैसे, क्यों कोई बॉन्ड बनता है। बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो हम डिस्कस करेंगे उनके टाइप्स। बट पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में बॉन्ड बनते कैसे हैं। तो उसके लिए चार थ्योरीज हैं जो आपकी चैप्टर में दी हुई हैं। जैसे पहली है कॉजल लुईस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। सबसे पहले यही अप्रोच या यही थ्योरी आई थी जिसने हमें एक्चुअल में समझाया था कि बॉन्डिंग होती कैसे, कैसे केमिकल बॉन्ड बनता है। फिर उसके बाद सेकंड है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, थर्ड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और फोर्थ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये चारों थ्योरीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी इस चैप्टर में। पहले हमें पढ़ना है कॉजल लुईस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कॉजल और लुईस दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअल में सबसे पहले, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग की कंसेप्ट हमारे सामने रखी कि इस तरह से कोई भी केमिकल बॉन्ड बनता है। तो हम कॉजल लुईस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं, इसे नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स, अब हम पहला अप्रोच देख लेते हैं, कॉजल लुईस अप्रोच, जो कि केमिकल बॉन्डिंग को समझा रहा है हमें। सबसे पहले देखो, कॉजल और लुईस ने ऑक्टेट रूल के बारे में हमें समझाया। ऑक्टेट यानी 8, ओके। ऑक्टेट रूल क्या है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग टू कम्प्लीट देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, ओके। ड्यूप्लेट किसके केस में, हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम के केस में। देखो, ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी एटम जो है वो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग करता है, क्यों करता है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यानी अपने आउटर शेल में, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, ठीक है। और अगर हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम की बात करो तो वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी अपने आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। ये ऑक्टेट का एक्सेप्शन है, ओके। तो हम जान सकते हैं कि बॉन्डिंग जो थी अभी तक क्या समझ रहे थे हम, कि बॉन्डिंग क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एटम्स, और एटम्स क्यों इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनते हैं, क्योंकि उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, ठीक है। फिर लुईस ने, देखो लुईस कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट आई थी कॉजल और लुईस की, 1916 में आई थी, ठीक है, जबकि हमारा एटम का बोर का टाइम चल रहा था, जब बोर अपने एटम की स्ट्रक्चर हमें समझाने की कोशिश कर रहा था, उसी टाइम पर कॉजल और लुईस ने मिलकर अपनी अप्रोच दी और हमें इसकी बॉन्डिंग के बारे में भी समझाना चाहा, ठीक है। तो देखो, उसके बाद जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो फिर बाद में बोर के बाद आया है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बाद हमें पता चला था शेल या सब शेल की कंसेप्ट, तो वो अभी तक हमारी कंसेप्ट क्लियर नहीं थी जब कॉजल लुईस का मॉडल आया था। तो देखो, लुईस ने बताया कि जो भी एटम है जनरली मिलकर बना हुआ है न्यूक्लियस से, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ में आती है ये चीज़।
इनसे मिलकर एटम बना हुआ है। तो लुईस ने इस कंसेप्ट को और छोटा सा कर दिया। लुईस ने क्या किया कि न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मिलाकर कर्नेल नाम दे दिया। ओके, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसने अलग ही रखे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के साथ मिलकर एटम की स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाए रखते हैं और क्या कहलाते हैं, कर्नेल कहलाते हैं। ये चीज़ क्लियर होती है। फिर उसके बाद लुईस ने कुछ सिंबल दिए, ठीक है, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के सिंबल बताए। उस सिंबल के थ्रू आप जान सकते हो कि इस एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, यानी अब ये कितनी बॉन्डिंग कर सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है एक्चुअल में। तो देखो लुईस सिंबल होते हैं, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम विद देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लुईस सिंबल क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किसका, एटम का, किसके साथ, विद देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटम के पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके साथ उसे रिप्रेजेंट करते हो तो उसे आप लुईस सिंबल नाम देते हो, एटम का लुईस सिंबल कहलाता है वो। जैसे कि देखो हम बात करते हैं लिथियम की, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप लिथियम का आउटर शेल का कॉन्फिगरेशन देखो तो 2s1 होता है। ओके, 2s1 यानी आउटर शेल एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को इस डॉट की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। लिथियम लिखा आपने और एक डॉट की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिया, ये इसका लुईस सिंबल हो गया लिथियम का। उसी तरह बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हो तो आउटर शेल में इसके 2s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं, तो उन्हें आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये बेरिलियम का लुईस सिंबल हो गया। इस ठीक उसी तरह बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब के लुईस सिंबल हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, लुईस सिंबल क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम विद देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, लुईस सिंबल को हम क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल भी कहते हैं, समझ में आई ये चीज़। और लुईस सिंबल हमारी किस कहाँ हेल्प करता है, टू नो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर जान सकते हो। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों इंपॉर्टेंट हो रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसकी बॉन्डिंग देखेंगे पर्टिकुलर एटम की। ओके, तो ये तो था हमारा कॉजल लुईस अप्रोच जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉजल और लुईस ने कहा कि बॉन्डिंग होती है, ठीक है, बट बॉन्डिंग किस लिए होती है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद लुईस ने अपने हिसाब से समझाया कि आप न्यूक्लियस को और इनर इलेक्ट्रॉन को कर्नल नाम दे दो, बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। लुईस ने अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला भी दिया जिसे हम लुईस सिंबल कहते हैं। ठीक है, अब कर्नल की कंसेप्ट हम देख लेंगे और दोनों की कंसेप्ट को मिलाकर फिर हम बॉन्डिंग अच्छे से समझेंगे। आप इसे नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स, लुईस ने इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला दिया इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ किसी भी एटम के सिंबल को रिप्रेजेंट करने का उसने अपना एक फार्मूला दिया जिसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर के नाम से जानते थे। अब देखो कॉजल ने कुछ फॉलोइंग फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स हैं जिन पर कॉजल ने अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट किया था जब हमें केमिकल बॉन्डिंग समझानी चाहिए। देखो लुईस ने तो अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी बता दी कि इतनी होती है पर्टिकुलर, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉजल ने जनरली आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हमें समझानी चाहिए कि किस तरह से आयनिक बॉन्ड बनता है। देखो कॉजल ने क्या बताया कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी ग्रुप फर्स्ट। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव समझते हो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि मेटल जो होते हैं यानी ग्रुप फर्स्ट। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इट मीन्स ग्रुप 17 जो हैलोजन्स हैं आर सेपरेटेड बाई नोबल गैसेस। नोबल गैसेस से डिफरेंट है, ठीक है, नोबल गैस के पास कैपेसिटी नहीं है, ना तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है, क्योंकि नोबल गैसेस का जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो फुलफिल्ड होता है। ओके, उसके बाद जो नेगेटिव आयन्स हैं डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली किसी भी आयन पर आपने नेगेटिव चार्ज लगा हुआ देखा है वो इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है, तो नेगेटिव आयन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, जबकि पॉजिटिव आयन गेन इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन इट मीन्स उनके पास इलेक्ट्रॉन्स का कमी है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन्स आर फॉर्म्ड टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। क्यों कोई भी एलिमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव आयन बनाएगा, क्योंकि उसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फिग्रेशन को अटेन करना होता है। नोबल गैसेस का कॉन्फिग्रेशन जानते हैं फुलफिल्ड होता है उनका आउटर शेल, तो कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उसी अकॉर्डिंग बनाता है कि उसे अपना आउटर शेल फुलफिल करना होता है, नोबल गैसेस की तरह से रखना होता है। ठीक है, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन्स अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। और जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बनेंगे, ठीक है, कोई भी एलिमेंट बनाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, तो वो बने हुए नेगेटिव और पॉजिटिव आयन ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट पॉजिटिव आयन है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा,
और उससे जो बॉन्ड बनेगा उसे आयोनिक बॉन्ड हम नाम देते हैं। यही चीज़ कॉजल ने एक्सप्लेन की। अब कॉजल ने अपने आयोनिक बॉन्ड की कंसेप्ट को समझाना चाहा NaCl की फॉर्मेशन से। देखो NaCl में सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऐसे लिखा जाता है इसका। आउटर शेल में आपको 3s1 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ओके। उसके बाद क्लोरीन देखो, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, आउटर शेल का कॉन्फिग्रेशन 3s2 3p5 निकल कर आया। तो अगर हम सोडियम का आउटर शेल देखें तो सोडियम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। आउटर शेल में इसे क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू कोजा एंड लुइस, ओके। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके आउटर शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। कौन होगा जो इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ओके। तो इसकी जगह ये क्या करेगा, अपना इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो भी अगर इसके पास 2s2 2p6 रहता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 2s2 2p6 हो गया, किसके जैसा हो गया, नॉर्मल गैस जैसा है ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो गया। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी वो भी डोनेट करने की, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, मेटल है, दैट्स वाई ये डोनेट करेगा, ओके। और जो क्लोरीन है उसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे 8 करने हैं तो इसे एक इलेक्ट्रॉन लेना होगा, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन हेलोजन एटम्स में से आता है, बहुत अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फौरन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज़ किया होगा उस एक इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन गेन करेगा, ओके। अपने आउटर शेल में क्या बनाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा और नॉबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अटेन करेगा, समझ में आई ये चीज़। तो इस तरह से सोडियम तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ में कन्वर्ट हुआ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कैसा कर लिया, 2s2 2p6। उसी तरह क्लोरीन ने उस लूज हुए एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Cl- में कन्वर्ट हुआ, आउटर शेल का कॉन्फिग्रेशन 3s2 3p6 हो गया, नॉबल गैस जैसा हो गया, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन नॉबल गैस जैसा हो गया, एक पॉजिटिव आयन बना एक नेगेटिव आयन बना। अब इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ और इन्होंने कौन सा बॉन्ड बनाया, आयनिक बॉन्ड, और इस तरह से NaCl की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह कॉजल और लुइस ने अपना अप्रोच दिया, हमें समझाना चाहा कि एक्चुअल में किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट तो क्या निकलता है इसके पीछे, कॉजल और लुइस कंसेप्ट के पीछे, कि कोई भी एटम जो है वो बॉन्ड बनाता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ओके। और हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम के केस में ड्यूप्लेट देखते हैं हम, वो एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के, ठीक है। अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, यानी अपना वैलेंस शेल नोबल गैस जैसा करना चाहता है कोई भी एलिमेंट, दैट्स वाई वो बॉन्डिंग करता है, ठीक है। और कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये उनकी टेंडेंसी पर डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो लूज करेगा, जो इलेक्ट्रो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सोडियम और क्लोरीन की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन होते हुए और लूज होते हुए हमें नजर आए, और हमने NaCl की फॉर्मेशन को अच्छे से समझा है। तो आज हमने कॉजल और लुइस की कंसेप्ट को अच्छे से समझा, किस तरह बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इन्होंने एक्सप्लेन किया, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरी कंसेप्ट्स हैं और जो बॉन्ड के टाइप हैं उन्हें अच्छे से क्लियर करेंगे। आप इसे नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।